यहाँ उपस्थित आप सभी महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। आज तक हम सिर्फ एक संगठन की बात करते आए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी अलग सी बात करना चाहूंगी, जो महिला दिवस के दिन भी मैंने आप लोगों से की कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त होना क्यों जरूरी है और महिलाओं को सशक्त होने से क्या होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जब तक महिला घर में सशक्त है तो वो घर बहुत सुदृढ़ होता है। ये हमारी बहुत गलत सोच है कि महिला तो बस घर में रहती है और घर में रह के काम कर। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमने देखा हम महिला, अब तो महिलाओं ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब घर में माँ पढ़ी होती है तो बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन अगर बाप पढ़ा है लेकिन माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उस घर में बच्चों की क्या स्थिति होती है वो आप सब भी जानते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात इसलिए भी मैंने कही कि हमें लगता है कि हमारे जो जिला कुल्लू है यहाँ पे महिलाएं सब सशक्त हैं, अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं, बाहर जाती हैं, काम करती हैं, कमाती हैं, लेकिन मैं एक सही मायनों में आपको बात बताऊं कि महिला चाहे नौकरी करती है या कुछ भी करती है, अपने आप कमाती है, लेकिन वो सशक्त नहीं है, क्योंकि अपनी ही कमाई को खर्च करने का अधिकार आज तक उसको नहीं है, उसको हिसाब देना पड़ता है। ये सब महिलाओं के साथ होता है। तीसरी बात, हमारी पहुंच सिर्फ सोर्सेज तक है, यानी कि खेतों तक हमारी पहुंच तो है, खेतों तक तो हम पहुंच जाते हैं, वहां हम खुदाई करते हैं, हम सेब के पेड़, हमारे बगीचे, हम उसके गड्ढे बनाते हैं, स्प्रे करते हैं, गोबर देते हैं, लेकिन जब उस बगीचे को बेचने की बारी आती है तो वो पुरुष बाजार में ही बेच देता है ठेकेदार को, आपको नहीं पूछते कि किसको देना है या किसको नहीं देना है। तो ये सारी चीजें अभी भी महिलाएं जो है भारत में, हिमाचल में, कुल्लू में दोयम दर्जे पर है। तो हमें महिलाओं को सशक्त होना है, आगे आना है। पंचायती राज भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे महिलाओं को अपने आप को साबित करने का मौका मिला, अपने आप को जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और इसके साथ साथ ही आज मैं एक ब्यूटी पेजेंट में जा रही हूँ, या हिमाचल के स्तर पर जो मिसेज इंडिया हिमाचल ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज किया गया मिसेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और मैं हमारे इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दीपाली फडनिस मैम का, जिन्होंने भारत में एक शुरुआत की। मैं विद्या नेगी एक छोटे से गांव मनाली तहसील के शनाक गांव से हूँ, और अभी हाल ही में 14 तारीख को सोलन में ऑडिशन है, ऑल हिमाचल में जो ऑडिशन है उसके बाद सिलेक्शन के बाद सोलन में एक राज्य स्तरीय ब्यूटी पेजेंट हुआ मिसेज इंडिया हिमाचल की ओर से, और मैं क्लास की कैटेगरी में शामिल थी वहाँ पे, और इस कैटेगरी में मुझे फर्स्ट रनर अप के खिताब से नवाजा गया। और अब आने वाली 3 और 4 जुलाई को जो राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है प्रतियोगिता ब्यूटी पेजेंट जो है चेन्नई में हो रही है, और इसमें मैं क्लासिक कैटेगरी जो मिसेज इंडिया हिमाचल की ओर से फर्स्ट रनर के रूप में हिमाचल को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, इसके अलावा आज मन में जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए आज मैं चेन्नई जा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है।